INDIA की चौथी बैठक हो चुकी है। इस बैठक में भी कुछ खास तस्वीर निकलकर सामने नहीं आई है। अगर लोकसभा चुनाव की हम बात करें तो महज कुछ ही महीने बचे हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन जो ये कह रहा है कि वो बीजेपी को उखाड़ फेंकेगा, यानी कि एनडीए को उखाड़ फेंकेगा, उसके सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने है, क्योंकि कांग्रेस देश की सबसे पुरानी और ये कहें कि विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी है। तो कांग्रेस अपना अस्तित्व कैसे बचाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल कांग्रेस के सामने खड़ा हो रहा है। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस आ तो गई, कांग्रेस इसका नेतृत्व भी करती हुई नजर आ रही है, लेकिन कांग्रेस क्या बचा पाएगी अपना अस्तित्व, ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, अगर इंडिया गठबंधन की हम बात करें तो सीट बंटवारे को लेकर अभी भी खींचातान लगातार देखी जा रही है, और जो खींचातान है ना, वो एक रबड़ की तरह खींचती हुई नजर आ रही है। दिल्ली हो, पंजाब हो, यूपी हो, पश्चिम बंगाल हो या बिहार हो, इन जगहों पर कांग्रेस को उसके मन मुताबिक सीटें नहीं मिल रही हैं। या ये कहें कि जो दूसरे दल है वो इस तरह की सीटें देने को तैयार नजर नहीं आ रहे हैं। कुछ खबरों की माने और ग्राउंड जीरो पर जाकर जब आप देखेंगे तो बिहार की हम बात करें तो बिहार में आरजेडी ने कांग्रेस से कहा है कि वो सहयोगी दलों को केवल 6 सीट दे सकती है। आप सोचो कि लोकसभा चुनाव है, इतना बड़ा चुनाव, उसमें अगर बिहार में सिर्फ 6 सीटें कांग्रेस को मिलने जा रही है तो कांग्रेस का अस्तित्व कहाँ है। आरजेडी और जेडीयू 17-17 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। अब आरजेडी का यह कहना है कि वो सीपीआई, एमएल और सीपीआई के लिए 2 और कांग्रेस के लिए 4 सीटें छोड़ सकती है, महज 4 सीटें। तो कांग्रेस को यह समझना होगा कि उसने इस गठबंधन में आकर गलती कर दी है, या ये कहें कि कांग्रेस को अलग से ही लड़ना चाहिए था। अगर यूपी की हम बात करें तो यूपी में भी कुछ खास कांग्रेस के लिए नजर नहीं आता है, क्योंकि कांग्रेस ने अपनी राह, या ये कहें कि पैरों पर कुल्हाड़ी खुद ही मार ली है। क्योंकि अभी जैसे विधानसभा चुनाव हुए तो मध्य प्रदेश में जिस तरह का रोष कमलनाथ ने दिखाया था, वो कहीं ना कहीं यूपी में अब कांग्रेस को देखना पड़ेगा। कमलनाथ की गलती जो है वो कांग्रेस को भुगतनी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश में लोकसभा के लिहाज से सबसे बड़ा क्षेत्र, 80 लोकसभा सीटें आती हैं। बहुत अच्छे से यहाँ से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस जो है खेल कर सकती थी, लेकिन कांग्रेस ने पहले ही रास्ते कहीं ना कहीं बंद कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी दल है, और समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से कहा है कि वो केवल उन्हें 8 सीट दे सकती है, 80 में से महज 8 सीटें। इन 8 सीटों में बनारस होगी, लखनऊ जैसी सीटें शामिल हैं जहां एसपी की मौजूदगी ज्यादा नहीं है। इन सबसे अलग अगर कांग्रेस दोनों राज्यों में सहयोगियों से ज्यादा सीटों की उम्मीद कर रही है और बातचीत करने के लिए और ज्यादा कोशिश करती हुई नजर आ रही है। अब देखना यह कि जो कोशिश है वो क्या रंग लेकर आती है। उधर हम पश्चिम बंगाल की बात करें, क्योंकि इस वक्त अगर हम बात करें तो ममता बनर्जी ही हैं जो कांग्रेस पर थोड़ी बहुत मेहरबान नजर आ रही है, लेकिन जब बात सीटों की आ जाती है तो यहाँ पर हाथ सिकुड़ती हुई टीएमसी नजर आ रही है। खबरों की माने तो पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 42 में से करीब सिर्फ 2 सीट ही ऑफर कर सकती है। हालांकि कांग्रेस की नजर गठबंधन की स्थिति में 6-8 सीटों पर है। तृणमूल ने अपने प्रस्ताव के बारे में कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व को बता दिया है। अब फैसला कांग्रेस के हाथ में है। जब बंगाल में कुछ नहीं नजर आ रहा है, उत्तर प्रदेश में कुछ नजर नहीं आ रहा है, बिहार में कुछ नजर नहीं आ रहा, तो पंजाब और दिल्ली की तो उम्मीद आप छोड़ ही दीजिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का जो सख्त तल्खी हमने देखी है उनके दबे स्वरों में, वो साफ तौर पर नजर आती है कि कांग्रेस को वहां भी कुछ हाथ नहीं लगने वाला। पंजाब में आपसे सीधे तौर पर टकराहट है। आम आदमी पार्टी भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन पंजाब में सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस और आप में तकरार देखी जा रही है। आम आदमी पार्टी यहां लोकसभा की सभी 13 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, वो कांग्रेस को एक भी सीट देने के मूड में नहीं है। आप सोचिए, इसे लेकर दोनों दलों के नेताओं की ओर से कई बार बयानबाजियां भी की जा चुकी हैं। कांग्रेस मुक्त दिल्ली कर ली, कांग्रेस मुक्त पंजाब कर लिया, तो कांग्रेस को ये सोचना है कि ये जो क्षेत्रीय दल है छोटे छोटे, वो तो अपनी कहीं ना कहीं जमीन बचा लेंगे। कांग्रेस जो इतनी बड़ी पार्टी है, इतनी पुरानी पार्टी है,
क्या वो अपना अस्तित्व बचा पाएगी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हो सकता है कि आखिरी मौका कांग्रेस के लिए हो 2024 का लोकसभा चुनाव। तो अब ऐसे में सबके मन में सवाल है कि क्या वो इंदिरा वाला दौर लोकसभा में लौट पाएगा और क्या कांग्रेस वो वाली कांग्रेस बन पाएगी जो इंदिरा गांधी के दौर में हुआ करती थी।